वहीं यूपी के सोनभद्र में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे और वहां पर उन्होंने रॉबर्टगंज के रामलीला मैदान में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे यूपी में ब्राह्मणों की संख्या लगभग 3 करोड़ है और दलित उनके साथ मिल जाए तो बसपा सरकार बनाने में कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ब्राह्मणों को बरगलाकर वोट लिया है लेकिन ब्राह्मणों को उचित सम्मान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए बसपा ने बहुत कुछ किया और आगे भी करती रहेगी। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगामी चुनाव के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती मुख्यमंत्री बनेगी। बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और सभी को समान हिस्सेदारी की बात करती है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है और इसमें ब्राह्मण समाज है और प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी हैं और इसमें और कुछ नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने जो छलावा करके और वोट लेने का काम किया है उसका खुलासा सामने करने काम कर रहे हैं, सवाल सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं और ख़ास तौर से जिस तरह से ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उसका जवाब इनसे सवाल पूछने काम कर रहे हैं। देखिए ब्राह्मणों के लिए तो हमने आपने शायद सुना नहीं इतना कर दिया था 2007 में, करके दिखाया। हम बातों नहीं करते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी करके दिखाने में काम करती है। बहुत कुछ करा है, आगे और कुछ भी करेंगे जो भी सरकार आएगी। ये बताइए कि जिस तरीके से आपने कब आधे घंटे में देखिए बहुजन समाज पार्टी सर्वजन की पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और हमारी नेता बहन मायावती जी इसी को लेकर के आगे चलती हैं, सर्वजन को लेकर के चलने का काम करती हैं, भाईचारा बना के, और इसीलिए और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम।